डिस्कवर इंडिया बाय रोड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। अपनी डोमिनार चलाते वक्त मुझे काफ़ी दिनों से रेडिएटर के फैन की आवाज़ बार बार सुनाई दे रही थी, तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये बार बार ऐसे क्यों हो रहा है। तो एक दिन जब मैंने उतर के देखा तो पता चला कि ये जो रेडिएटर का जो कूलेंट लेवल है यह काफ़ी बिलो, मतलब उसके जो मिनिमम लाइन है वहाँ तक पहुँच गया है। तो अभी इसके लिए हमें ये कूलेंट को टॉपअप करना पड़ेगा और यह दो स्क्रू खोलकर ये कवर हटाना पड़ेगा। तो चलिए पहले इसे हम खोलते हैं। इसे खोलने के लिए आपको सबसे पहले ये 4 नंबर की एलन की लगेगी। ये एलन की आपको बाइक के टूल किट के अंदर भी मिल जाएगी। तो सबसे पहले ये 2 स्क्रू खोलते हैं। दो स्क्रू खोलने के बाद में कवर के पीछे की तरफ 2 लॉक दिए हुए हैं, जैसे कि हमने अपने हेडलाइट असेंबली के पीछे देखे थे। इसे अनलॉक करने के लिए सेंटर में कोई भी एक पॉइंटेड चीज़ से आप उसे दबाएंगे तो ये अनलॉक हो जाएंगे और ये कवर बाहर की तरफ निकल आएगा। यहाँ पे जो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये 2 ढक्कन हैं। एक ढक्कन है ये कूलेंट रिजर्वायर का है और दूसरा जो है ये रेडिएटर का है। रेडिएटर का ढक्कन मेटल का है और इसे कभी भी अगर आपकी गाड़ी आपने तुरंत बंद की हो तो उसे ना खोलें, क्योंकि वो प्रेशराइज होता है। तो यहाँ कूलेंट टॉपअप करने के लिए हम कैस्ट्रोल का रेडिकूल यूज़ कर रहे हैं। यह आपकी जो मैनुअल बुक में यह ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, तो यह आप कूलेंट यूज़ कर सकते हो। ये हैवी ड्यूटी कूलेंट है और ये जो है ये 500 ml की बॉटल है, तो ये शायद इसके अंदर हमें आधा ही लगेगा, क्योंकि ये जो कूलेंट का जो रिजर्वायर है उसकी कैपेसिटी अराउंड 250 ml की है। तो सबसे पहले हम ये कैप खोल देते हैं। कैप खोलने के बाद में अब बारी है इस कूलेंट को इसके अंदर डालने की। अब इसे कहीं भी ऑन द वे, जैसे अभी हम लोग डाल रहे हैं रास्ते में ही हम फील कर रहे हैं, तो उसके लिए आप कहीं भी कोई मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये आसानी से अपने घर पे कर सकते हो और देख सकते हो आप, जैसे कि ये जो लेवल है ये मैक्सिमम आने तक इसे फील कीजिए और उसके बाद में आप कूलेंट भरना बंद कर दीजिए। अब इस ढक्कन को अच्छी तरह से टाइट कीजिए। और बाद में ये जो साइड कवर है उसे वापस दोनों स्क्रू लगाकर टाइट कर दीजिए। दोनों स्क्रू टाइट होने के बाद में अभी आपको पीछे की साइड के जो लॉक है वो लगाने हैं। उसके लिए जो छोटा वाला पार्ट है उसे पहले अंदर की तरफ डालिए। जब ऊपर और नीचे दोनों के पार्ट आपके अच्छी तरह से लग जाए तो अंदर वाला जो बड़ा लंबा पार्ट है उसको वहाँ पे इंसर्ट करना है आपको, और उसी के साथ आपका रेडिएटर कवर है ये फिट हो गया है और अभी आप जाने के लिए तैयार है दोस्तों। तो देखा दोस्तों कितना आसान है ये। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज के इस वीडियो से पता चल गया होगा कि अगर आपकी गाड़ी में कभी हीटिंग इशू आता है तो आपको सबसे पहले क्या देखना है। और हमेशा अपनी गाड़ी की आवाज़ सुनते रहिए, अगर उसमें आपको कोई भी बदलाव नज़र आता है तो आपको उस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अलर्ट राइडिंग ही सेफ राइडिंग है दोस्तों। तो बी अलर्ट, बी सेफ। और यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आने वाले दिनों में हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद।